गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4th. ओके बेटा, नाउ स्टार्ट करते हैं. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स. If the car travels towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? Now, first of all, let हम मान लेते हैं यहाँ पर कि speed of car, speed of first car that is equal to x kilometer per hour and speed of other car, जो आपकी दूसरी कार है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर. नाउ प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक हाईवे है, सपोज दिस इज अ हाईवे. यहाँ पे टू प्लेस है, एक आपका ए प्लेस है और दूसरा आपका बी प्लेस है. यहां बना लेती हूँ मैं इसे. दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, बी प्लेस है. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर. नाउ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से चलती है एंड अनदर फ्रॉम बी, जो दूसरी कार है वो पॉइंट बी से चलती है. नाउ एट द सेम टाइम पर, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स. दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, चाहे तो वो दोनों राइट लेफ्ट में राइट में चली जाए या फिर दोनों लेफ्ट में चली जाए. सपोज कि एक बी से कार चल रही है, एक आपकी ए से कार चल रही है. दोनों कार जो है वो यहाँ आकर सपोज सी पॉइंट में मीट करी, तो ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो इतना किया और बी बी पॉइंट से जो दूसरी कार है हमारी, सेकेंड कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो इतना किया, है ना. अब लेट मान लेते हैं कि दोनों जो है वो आपस में कहाँ पे मिली, सी पॉइंट पे मिली. ओके, सी पॉइंट पे दोनों मिले हैं. जब वो दोनों मिले तो दोनों ने टोटल टाइम कितना लगाया हुआ है, 5 आवर्स. ओके, नाउ दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद वो दोनों मिल गए. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, मेरे पास जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन है वो क्या है, मेरे पास ए बी दैट इज इक्वल टू 100. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैं ऐसे राइट कर सकती हूँ इसके अंदर कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी माइनस बी सी के इक्वल होगा. ए सी माइनस बी सी हो जाएगा. ओके, नाउ ए बी, ए बी मेरे पास कितना है, 100 किलोमीटर, तो मैं इसकी जगह क्या पुट करूंगी, 100. नाउ ए सी, ए सी, ए सी आपका वो डिस्टेंस है जो कार ए ने, जो कार हमारी फर्स्ट कार थी, जो कार ए ने डिस्टेंस कवर किया वो ए सी हो जाएगा हमारा. ओके, तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए. ओके, या कार फर्स्ट माइनस. अब बीसी आपका क्या होगा, बीसी आपका वो डिस्टेंस है जो आपका सेकेंड कार जो है आपकी, जो सेकेंड कार है उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो वाला डिस्टेंस होगा. यानी कि डिस्टेंस कवर बाय अदर कार, ठीक है. नाउ जो आपकी फर्स्ट कार है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. नाउ वी राइट हियर 100 इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. ओके, माइनस ये भी क्या होगा आपका, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कार के लिए और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड कार के लिए. ओके, नाउ स्पीड, जो फर्स्ट कार है आपकी उसकी स्पीड कितनी है अपने पास, एक्स. ओके, कितने घंटे वो उन्होंने ट्रेवल किया, 5 आवर्स. तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 5 माइनस. ऐसे जो सेकेंड है, सेकेंड वाले की स्पीड कितनी है, वाई. तो ये क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगाया उसने, 5 आवर्स. तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5x - 5y जो इक्वल टू आपका 100 है वो मैं यहाँ राइट कर लूंगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100. मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, 5 कॉमन ले रही हूँ. एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100/5. कट करेंगे क्या आएगा, 20. इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20. दैट इज इक्वेशन नंबर
first. Okay, now in second condition, if they travel towards each other, towards each other का मतलब क्या होगा? Suppose कि ये highway आपका, ये आपका A place है और ये आपका B place है. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका? 100 किलोमीटर. फर्स्ट कार जो है वो A से चल रही है, ओके. सेकेंड कार जो आपकी B place से चल रही है, towards each other मतलब एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चलेगी. तो सपोज A इस टाइप से ऐसे आए आगे और B इधर से आएगी. ये दोनों सपोज की यहां पे मीट किए तो ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया? C. अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, दिस फिगर, ए बी, मेरा जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा? ए बी दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. क्या बन जाएगा ये? ए सी प्लस बी सी. अब जो ए सी है, ए सी आपका क्या होगा? ए सी आपका वो डिस्टेंस है जो फर्स्ट कार ने कवर किया. नाउ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट कार प्लस जो बी सी है वो आपका क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय सेकेंड का. ओके, नाउ डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. हम यहां पर लगा देंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. नाउ 100 इक्वल टू ए बी, ए बी का किसके इक्वल होगा हमारा? 100 इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कार के लिए, एंड प्लस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये आपका किसके लिए हो जाएगा? सेकेंड कार के लिए. जब इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन वन आवर, तो एक घंटे में मिलती हैं वो, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 100 इंटू फर्स्ट कार की जो स्पीड थी वो क्या थी? एक्स. एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? वन. जो सेकेंड कार थी उसकी स्पीड क्या थी? वाई. और टाइम क्या हो जाएगा? वन. इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 100. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20. नाउ बाय यूजिंग, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वी नो वेरी वेल इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वी यूज 2 3 1 2. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 2 3 1 2 आपके जो x के कोफिशियंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे 1 को, जो y के कोफिशियंट है वो रिप्रेजेंट करेंगे 2 को, और जो कांस्टेंट टर्म है आप इसमें एक काम और करोगे, कांस्टेंट टर्म जो है आपके आप उन्हें लेफ्ट साइड में लेकर आओगे, तो ये आपकी जो इक्वेशन बनेंगी वो कुछ इस टाइप से बन जाएंगी कि x प्लस y माइनस 100 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका बनेगा x माइनस y माइनस 20 इक्वल टू 0. तो जो x के कोफिशियंट है वो हमारा नंबर 1, जो y के कोफिशियंट है वो हमारा नंबर 2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा नंबर क्या होगा? 3 होगा. नाउ 2, 2 के नीचे आपका आएगा 1 एंड माइनस 1, 3 के नीचे आपका आएगा 100 एंड माइनस 20, 1 के नीचे आपका आएगा 1 1, और 2 के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 एंड माइनस 1. नाउ इन दिस इक्वेशन वी हैव वेरिएबल x एंड y. आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है? x और y है. तो ये आपके पास बन जाएगा x अपॉन, मल्टीप्लाई कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 20, माइनस लगा दोगे, माइनस 1 को माइनस 100 से करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. नाउ y इक्वल टू 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका होगा माइनस 100, माइनस लगा दोगे यहाँ पर, और माइनस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या होगा? माइनस 20. दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 हो जाएगा, देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? माइनस. यहाँ पर आपका माइनस तो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाना ही है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा. नाउ x अपॉन माइनस 20 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2. सिंप्लीफाई कर दोगे, x अपॉन माइनस 120, y अपॉन माइनस 80 एंड 1 अपॉन माइनस 2. ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, और ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा. सबसे पहले हम क्या लेंगे? फर्स्ट के साथ सेकंड ले लेंगे. नाउ x अपॉन माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट इज 1 अपॉन माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 बाय 2 कट करेंगे क्या आएगा? 60. सिमिलरली सेकंड को इक्वल ले लेंगे हम थर्ड के. ओके, नाउ y अपॉन माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस से माइनस कट हो जाएगा.
नाउ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80 बाय 2 कट करेंगे क्या आ जाएगा 40। तो x आपका आया 60, इट मींस स्पीड ऑफ कार फर्स्ट दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार सेकेंड दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।